माता जी, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों को एक विशेष प्रकार का मंत्र दे रहे हैं। जिनकी बहनों की शादी नहीं होती है, जिनकी बच्चियों की शादी में विलम्ब हो रहा है और बहुत परेशानी चल रही है, जैसे किसी को मंगल की ग्रह दशा चल रही है या कुंडली में मंगल बिगड़ा पड़ा हुआ है, किसी को शनि बिगड़ा पड़ा हुआ है, किसी को राहु, किसी को केतु और किसी को गुरु की महादशा चल रही है, किसी को शुक्र की दशा चल रही है या कुंडली में शुक्र खराब पड़ा हुआ है या किसी अन्य कारणों से शादी में विलम्ब हो रहा है, तो उन बहनों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल जो मंत्र दे रहे हैं वो है माँ भवानी कात्यायनी। तो नव दुर्गा के जो नौ रूप है उनमें से एक विशेष रूप, अति महत्वपूर्ण रूप है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी जो है शादी के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, बहनों की शादी के लिए जो है अति शीघ्र फल देने वाली है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण पर ब्रज की सभी गोप कन्याएं इस प्रकार मोहित हो चुकी थी कि उन्हें से प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अपने अपने सजू को सबने सजू कर उन्होंने गोपियों ने रखी थी। उनकी एक ही अभिलाषा थी कि जो है ना भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में कैसे उनको प्राप्त हो। तो उन सभी ने माँ कात्यायनी का पूजन और मंत्र, जो मंत्र दे रहे हैं इसी मंत्र का जप और अनुष्ठान किया। फलतः उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और जितनी भी गोपियां थीं उतनी ही संख्या में शरीर धारण कर भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से माँ कात्यायनी का पूजन और तंत्र मंत्र द्वारा पति को अविलंब प्राप्त करने की परंपरा हमारे समाज में चल पड़ी है। तो माँ भगवती कात्यायनी उन बहनों की शादी जो है अति शीघ्र करें जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है या किसी भी प्रकार की ग्रह दशा चल रही है। तो नव दुर्गा के, जैसे मैंने बोला था, नव दुर्गा के जो नौ रूप हैं उन नौ रूपों में जो माँ कात्यायनी है, तो माँ कात्यायनी जिस क्या है दुर्गा जी के जो नौ रूपों में कात्यायनी का रूप अति महत्वपूर्ण है। जिस कुमारी कन्या का को शीघ्र विवाह की लालसा हो उसे कात्यायनी देवी का पूजन और उनके मंत्र का जप अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। कन्या स्वयं इस काम को करे तो अति उत्तम है और यदि ना कर सके तो घर की उसकी माँ है, भाई है, पिता है, तो संकल्प देकर अच्छे महान ज्ञातक पंडित से करवा सकती है। इसके लिए जो समय है, शास्त्रों में इसके लिए जो समय दिया है, किसी भी शुभ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से इस व्रत को आरंभ अनुष्ठान किया जाना चाहिए। इसके लिए 21 दिनों तक पूर्ण मन से श्रद्धा और विश्वास निष्ठा से करना अति आवश्यक है। शादी का या पंडित को पूर्ण पवित्र होना, ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना जरूरी है और जो आहार लेते हैं वो सात्विक आहार लें और ऊंचे स्थान पे जो है ना भगवती की एक पटली बिछा के उस पे लाल आसन बिछा के माँ कात्यायनी की जो फोटो है, फोटो जो सामने रख के पंचोपचार विधि से प्रतिदिन उसका पूजन करें और केले के पत्तन की जो है माता को आसन, जो पटली मैंने बताई है, पटली के ऊपर जो है माता कात्यायनी की जो है ना पीपल का जो है पत्र या पीला वस्त्र बिछाकर उस पे माता कात्यायनी की जो है फोटो रख दें। सरसों का तेल का दीपक जलाएं और वो दीपक ऐसा जलाएं जब तक उसका जाप चल रहा है, अखंड दीपक जलाएं। वो जो बत्ती रहती है वो भी पीली बत्ती होना चाहिए और जपकर्ता को चाहिए कि वो शुद्ध सात्विक रहे और माता को नैवेद्य केला का फल, पीले फूल, पीले रंग के वस्त्र, माता को पीला कपड़ा, पीले फल, केला इत्यादि चीज़ें माता को चढ़ाएं और स्वयं भी जो है ना पीला वस्त्र जो है धारण करें।
सरसों का तेल का दीपक रेगुलर जलता रहे। और जो है जैसे लड़की है या जप करता है, जो भी जाप माँ का त्यानी भगवती का कर रहे हैं, उनके लिए माथे में और शरीर में तेल लगा लें और मुख में जो है मीठा पान चबाते हुए उसका जो 21 दिनों तक जाप करें। ये जाप कम से कम 41,000 होना चाहिए। 41,000 जाप करने से ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। माँ भगवती जो है ना असीम कृपा बरसाने वाली है, और जो बच्चियों की शादी का विलम्ब है, जो जल्दी से जल्दी जो उनकी शादी शीघ्र हो जाएगी। तो मंत्र हम दे रहे हैं आपको, वो जो है सुनिएगा। ओम कात्यायनी, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कृते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंदगोपसुतं देव पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंदगोपसुतं देव पतिं मे कुरुते नमः। इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला ले ले और जो है ऊन के आसन पर बैठकर माता का जो है जाप चलता रहे। इस प्रकार से 41 दिनों तक माता का जाप करें और प्रतिदिन उसकी जो है माला करें। इसको करने से अति शीघ्र फलदायी ये मंत्र है। कम से कम 41,000 जाप करना अनिवार्य है, तभी इस मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है और जो है इस मंत्र का पूरा लाभ मिलता है। पहले दिन 1,000 यानी कि 10 माला का जाप करना। इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम से उसको बढ़ाते रहे और 41 दिनों में ये जो मंत्र है सिद्ध होगा और जो मनोकामना है जिन बच्चियों का विवाह में विलम्ब हो रहा है वो शीघ्र हो जाएगी और माता रानी कृपा करेगी। नवदुर्गा में इसको प्रारंभ करें तो अति उत्तम है, तो विलम्ब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर इसको जो है दीपावली के शुभ मुहूर्त में इसको करें, या फिर सर्वार्थ सिद्धयोग में करें, या पुख नक्षत्र में करें, तो हमारी बहनों की शादी है अति शीघ्र हो जाएगी और सभी प्रकार की ग्रह बाधा क्लेश समाप्त हो जाएंगे। कृपया आप सभी से, माताओं बहनों से और दोस्तों से हमारा निवेदन है कि माँ कात्यायनी का पाठ और जाप करके पुण्य लाभ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता।